फाजिलका की घास मंडी में कृष्णा धर्मार्थ औषधालय की छत गिरने से एक युवा डॉक्टर निखिल त्यागी की मौत हो गई। घटना बुधवार शाम की है। डॉक्टर निखिल त्यागी कृष्णा औषधालय में फिजियोथेरेपी सेंटर चलाते थे। घटना की सूचना मिलते ही एसएचओ नवदीप सिंह भट्टी और डीएसपी जगदीश कुमार मौके पर पहुंच गए। आई विटनेस के अनुसार धर्मार्थ औषधालय की इमारत कच्ची और 90 साल पुरानी थी। छत गिरने से जोरदार धमाके की आवाज हुई। डॉक्टर निखिल त्यागी की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ अन्य घायल भी हुए हैं। इस दर्दनाक हादसे की खबर जंगल में आग की तरह पूरे फाजिलका शहर में फैल गई। शहर के लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में पुलिस का हाथ बटाया। सर घटना यह हुई है कि जिवें मैं असी बैठे सी के बाहर पानी वाली टैंकी कोल ते इत्थे मतलब आवाज ही आई जी धमाका जिहा होया। असी उठ के बचे आए ते मुंडा आया सी कहिंदा कस्सी दे दे। असी पता नहीं की सोचा की होया ते पता इत्थे आके लग्या कि छत डिग गई। तीन छत्तां सीगियां कच्ची छत्तां हैगियां 90 साल हो गए बने नूं दीवारां नूं ते उह डिग्गियां छत्तां ते उहदे विच जिहड़े डाक्टर साहब सीगे निखिल त्यागी जी उहनां दी डैथ जी हो गई है। मतलब उन्होंने हूँ हॉस्पिटल रैफर करता तो सवेरे उन्हों की डेड बॉडी मतलब पोस्टमार्टम करके उन्होंने घर दे मतलब सौंप दी। जिस टाइम सर नितिन त्यागी त्यागी कहते किन्ने बंदे छत गिरी जिस टाइम उस टाइम तो सर दो तीन बंदे होंगे। बाकी का कोई इतने कोई बाहर घूम रहे थे कोई एक बंदा कोई चाह बना रहा है। बाकी डॉक्टर साहब तो वैसे बाहर ही आए थे थोड़ी देर पहला असी देखा सीगा पर वो अंदर गए है जिवें बैठे है। कुदरती घटना हो गई पता नहीं कि रब वालों मंजूर जो भी है। सर जिहड़े मौके दे वारदात ते पुलिस ते फायर ब्रिगेड ते एंबूलेंस पहुँच गई थी। नवदीप भट्टी जी है SHO साहब ते DSP साहब पहुँच गए थे नाल जिहड़े उन्हां दे मुलाजम है थाने तो वह भी आपकी कार्रवाई के मतलब मुताबिक पहुँच गए थे। सारे ने सहयोग करके जिवें भी है मिल के बाहर कढ़िया सारा समान उन्हां दे घर दे जिहड़े हवाला करता है। तो बाकी हुण पोस्टमार्टम तो बाद सवेरे भट्टी साहब जी ने कहा कि मतलब सवेरे डेड बॉडी जो भी है उन्होंने घर ये घटना जी पानी वाली टंकी घा मंडी भारत मेडिकल दे कोल है ये घटना हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।